सरकारी फरसरिया भेजने वाले परसों बोल के उन्हें पद्मराव नगर में उनका रिजेस है, उन्हें उनके बीवी और बच्चे दोनों बच्चे के साथ अंबेडकर कॉलेज पीछे एक वेजिटेबल एरिया मार्केट एरिया है, वहाँ उन्हें वेजिटेबल बिजनेस करते हर रोज़ वहाँ आके वेजिटेबल बिजनेस करके फिर रात में चले जाते। वो बिजनेस में जब उन्हें बिजी था उनका छोटा बच्ची 2 साल का लड़की वहाँ खेलते खेलते मिस हो गए और उन्हें 9 बजे नोटिस करने के टाइम पे वो छोटा सा बच्ची मिस हुआ बोल के उन्हें मालूम करके वहाँ आसपास ढूंढ करके पुलिस से रिपोर्ट दिया था और उन्हें उनका शक था कोई वो छोटा बच्चे को किडनैप करा बोल के उन्हें मेंशन किया था वो कॉम्पेंट में, उसके जरिए से एक किडनैपिंग केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन टेकअप कर दिया था। इन्वेस्टिगेशन में पूरा 4 स्पेशल पार्टी फॉर्म करके पूरा शहर में बस स्टैंड रेलवे स्टेशन सस्पेक्टेड लार्जेस्ट क्राउडेड प्लेसेस पूरा चेक करके और ये मिसिंग का एक फोटो बना के वन पोस्टर्स बना के पूरा बस स्टैंड रेलवे स्टेशन में बसों पे और रेलवे ट्रेन पे ये लगा के पेश करके एक्सटेंसिव पब्लिसिटी दिया था और आज एक रिलेबल इन्फॉर्मेशन आया था। इन्फॉर्मेशन के बेसिंग ऑन दैट इन्फॉर्मेशन ये लावण्या और रावण्या इलियस पूजा बोल के एक औरत 35 साल का औरत वीडो है उन्हें, उनका रेजिडेंस है ये दम्माईगुड़ा एरिया कुशाईगुड़ा पुलिस स्टेशन, वहाँ उनका गिरफ्तार करके उनका कस्टडी से ये बच्ची को किडनैप्ड बच्ची को रेस्क्यू करके आज ये केस डिटेक्शन कर दिया। ये औरत वीडो है, उनका हस्बैंड मर गया 3 साल से पहले और उनको दोनों लड़के बच्चा है, एक बेटा 17 साल का बेटा है और 3 साल का लड़की जैंडिस आके उन्हें मर गया। जब से हस्बैंड मरने के बाद उनको छोटा बच्ची को अडॉप्ट करना बोल के उनको एक डिजायर था, इसी वास्ते उन्हें ये बच्ची को किडनैप किया। सर, इससे पहले भी कुछ कोशिश करी सर किडनैप करने के लिए? नहीं, गांधी एक्सप्रेस जाके वो मालूम किया करते कोई अडॉप्शन के लिए मिलेगा बोल के उन्हें गांधी एक्सप्रेस जाके इंक्वायरी किया करते।